हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज का जो अभी का जो टॉपिक है वो आरीवाल है। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए था। वो वीडियो हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर पब्लिश हो जाए। आप वहाँ पे देखिए और उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई है, क्या करना है, कहाँ पर भेजना है आपको अपना डिटेल्स, तो वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम लोग आरीवाल के बारे में। तो स्ट्रक्चर और रोड के ऊपर तो हमारी वीडियोस बन गई है। ये आरीवाल का सबसे फर्स्ट वीडियो है। इसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि इसको बिल्कुल मिस मत करिए, कि आप लोगों को जो चीज़ें सीखने के लिए हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। और ये बेस है हमारा, बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें मिस करेंगे तो फिर आपको जो फ्यूचर में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था, आरीवाल को रेनफोर्स्ड अर्थ वॉल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ रेनफोर्सिंग मटेरियल डाला हुआ होता है। उसको मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ भी कहते हैं कि हम लोग जो सॉइल होती है उसको उसके अंदर मैकेनिकली कुछ डाल रहे हैं, मान लीजिए रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, इसके लिए उसको मैकेनिकली स्टेबलाइज्ड अर्थ कहते हैं और उसको रिटेनिंग वॉल्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आरीवाल के कंसर्न है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेनफोर्समेंट जो है वो कंक्रीट में डालने के बाद उसको RCC कहते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। उसी तरह से सॉइल में हम लोग जियोग्रिड, जियो सिंथेटिक स्ट्रिप, मेटेलिक स्टील, ये सारी चीज़ें डाल के उसको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंक्रीट कॉम्प्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बट वो टेंशन में वीक होता है। इसीलिए हम लोग उसका ताकत बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसमें स्टील डालते हैं एज अ रेनफोर्समेंट। तो उसी तरह से आरीवाल में भी हम लोग ये जो सारी स्टील स्ट्रिप वगैरह डालते हैं उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। नॉर्मली हम जो है अगर अर्थवर्क करेंगे तो उसका जो अर्थवर्क करने के नॉर्मल अर्थवर्क में ये इस तरह से स्लोप क्रिएट होगा, ये 1:2 का स्लोप नॉर्मली क्रिएट होगा। मान लीजिए हमको इतना ही एरिया कैरेज का चाहिए, मान लीजिए 10 मीटर है और ये 5 मीटर की हाइट है, तो ये 10 मीटर और एक्सटेंड हो जाएगा। ये 5 मीटर हाइट है तो ये 1:2 के हिसाब से ये 10 मीटर एक्सटेंड हो जाएगा, मैंने स्लोप कम दिखाया है। तो ये 10 और ये 10, ये टोटल मिला के 30 मीटर हो जाएगा और आपने को अपनी ज़रूरत सिर्फ 10 मीटर की थी। तो इसीलिए आरीवाल बनाई जाती है ताकि इस 10 मीटर को 10 मीटर के एरिया में ही कवर कर ले। मान लीजिए ये 90 डिग्री में जो है इसको मिट्टी को रिटेन करने के लिए ही आरीवाल बनाया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपली एक फंडा है कि आप जिसको समझ सकते हैं आराम से, कि ये नॉर्मली मिट्टी डाली तो ये स्लोप में साइड में जाएगी, ये ज़्यादा एरिया लेगा, लैंड जो रहेगी ज़्यादा लेगा। नाउ डेज आप जानते हैं कि लैंड कितनी कीमती है और इजीली लोग नहीं अवेलेबल होती है, और अगर हम लोग ऐसे ही जहाँ पे ज़्यादा अर्थवर्क ऐसा करेंगे तो आप सोचिए कि वहाँ हमको कितनी एरिया लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, और कितनी मिट्टी लगेगी, जो हमारे रिसोर्स है वो कितने लगेंगे, कॉस्ट कितनी जाएगी, बहुत सारा उसमें फैक्टर्स आते हैं। और इतने में हमको इससे कितना कम हमको मिट्टी लगेगी, नॉर्मली 60-70% मिट्टी कम लगेगी हमको इसमें। तो यही है, ये नॉर्मल एम्बैकमेंट है और ये हमारा है रेनफोर्स आरीवाल। इसी तरह से ये बेसिक कंसेप्ट इसका आपको मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरीवाल का कंसेप्ट है वो हेनरी विडल, ये फ्रेंच इंजीनियर ने निजात किया था। जब उनकी बेटी समंदर के किनारे जो रेत का एक पहाड़ बनाते हैं,
उस जैसे कि ऐसा रेत का किनार से फाड़ जैसे बनाते हैं ना ऐसा, तो ऐसे बना रही थी। उसके बेटी ने इन्होंने यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े डाल डाल के उसके अंदर ये इसका जो है जो हाइट है उसको बढ़ा लिया था, लकड़ी ऐसे अंदर इंसर्ट कर दी थी यहाँ पे ऐसे, तो एज ए रेनफोर्समेंट एक्ट कर रहा था, इसकी हाइट बढ़ गई। और नॉर्मल में हम लोग करेंगे तो ऐसा होता था। तो वहाँ से उनको एक क्लिक हुआ, जो कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो इन्वेंशन होने वाले हैं वो सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। तो तब उनको ये अरीवाल का कंसेप्ट आया और उन्होंने वहाँ से शुरू किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अरीवाल का प्रिंसिपल क्या है, मान लीजिए हम लोग ये बिना बिना रेनफोर्समेंट का रखेंगे और इसमें ऊपर लोड देंगे तो ये पूरा नीचे डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा ये इस तरह से। लेकिन अरीवाल के केस में ये हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी का ढेर है और यहाँ से लोड दिया तो ये डिफॉर्म नहीं होता है, एक कम होगा या होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग ये रेनफोर्स सॉइल में ये बेनिफिट होता है और विदाउट रेनफोर्समेंट में ये लॉस है हमारा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि आरीवाल में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी बिल्कुल नहीं जानते आरीवाल के लिए, उनके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि इससे क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरीवाल जो है वो साइट में कैसे काम शुरू करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है आरीवाल कैसे काम करता है और उस वक्त साइट में हमको क्या क्या दिक्कतें आती है, साइट में हम लोग कैसे काम करवाना है, कैसे पीसीसी करना है, ये हम लोग अभी शुरू से जानते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि मान लीजिए ये हमारा एरिया है, ये सरफेस है रोड का, यहाँ हमको आरीवाल का काम शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइड पे लेवल लेंगे, सर्वेयर से मार्किंग ले लेंगे कि यहाँ हमको ये पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा वॉल आ रही है। ये सर्वेयर हमको ये मार्किंग दे देगा यहाँ पे। मार्किंग देने के बाद हमको इसके ऊपर इनिशियली कटिंग करना पड़ता है कि हमको बॉटम में पीसी करने के लिए उसको जाना पड़ता है नीचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको रिक्वायर्ड है, मान लीजिए यहाँ से इतना गड्ढा कर लेते हैं, हमारा ये लेवल पे हमारा क्या हो रहा है, पीसीसी जाएगा, पीसीसी बॉटम बोलने से पीसीसी का ये लेवल पे पीसीसी होना है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब सर्वेयर जो हमको ये पॉइंट दे रहा है, ये दोनों पॉइंट हमको दे रहा है, एक्चुअली ये हमारे कोपिंग के पॉइंट है। कोपिंग के पॉइंट यानी क्या है कि ये वॉल कुछ ऐसी बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये जो कोपिंग का सेंटर है, ये पॉइंट हमको नीचे देता है वो, एक्चुअल में ये कोपिंग का पॉइंट नीचे देता है। अभी वो दिखने में आपको सही नहीं होगा, वो पॉइंट हमको नीचे देता है। तो उस हिसाब से हमको क्या करना होता है, अभी मैं आपको ये सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे बताऊंगा, आप उसको गौर से देखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, कि ये पॉइंट है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। ये कोपिंग का सेंटर है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ये सारे इंजीनियर को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पूरी आरीवाल रॉन्ग हो जाएगी, ऊपर जाने के बाद करेज मेरे को बिल्कुल मैच नहीं होगी। ये सेंटर का पॉइंट यहाँ पे दिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको गड्ढे में ये पॉइंट दिया है उन्होंने, लेकिन एक्चुअल में अपने को आरीवाल में 1% से लेकर 3% का स्लोप देना है। मान लीजिए आप यहाँ पे जो लेवल है, मान लीजिए यहाँ पे जो है
यहाँ से जब टॉप में पहुँचेंगे तो ये हमको हमारा जो डिफरेंस है 150 mm अंदर डालनी है हमको, तब जाके ना स्लोप आएगा। तो ये 150 mm पर मीटर में जाके हमको देना है, तब जाके हमारा ये सेंटर आएगा। तो हमारा जो 150 mm का जो ऑफसेट है, जो येलो पॉइंट बोलते हैं जिसे कहते हैं लेवलिंग ऑफसेट, यानी जो हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का सेंटर लाइन पैनल का और जो हमारा कोपिंग का सेंटर है, इसको बोलते हैं लेवलिंग ऑफसेट, येलो। ये जो लेवलिंग ऑफसेट है इसका जो वैल्यू है वो 150 mm है, 150 mm अंदर जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से हमको जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमको जो हम ये तो हमारा कोपिंग सेंटर मार्किंग किया, तो हम जब हमको साइड पे काम करना है तब जाके ये 150 का ऑफसेट लेने के बाद ये पैनल का सेंटर आएगा, और ये पैनल के सेंटर से हमको PCC यहाँ पे करना पड़ता है इस तरह से। ये इसको कंसिडर करते हुए आप करना पड़ता है आपको। तो ये जब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ से 150 pieces आएगा और इसके सेंटर से PCC करना है, तो आप सारी कैलकुलेशन वहाँ अपने आप कर लोगे। बाकी आपको यही समझाना था, मेरे को यही मकसद था कि ये येलो कितना इम्पोर्टेंट है। तो 150 mm पीछे वाल इस साइड से चली जाएगी और 150 mm पीछे इस साइड चली जाएगी। कभी कभी हमको ड्राइंग में यहाँ से जो ऑफसेट डिस्टेंस है बॉटम का सेंटर, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों भी दिए हुए होते हैं, और हर 10 मीटर में कितना कितना वेरिएशन हो रहा है वो सारी चीज़ें हमारे ड्राइंग में नोट की जाती है, वो वहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है आपको वो चीज़ें वहाँ पे PCC करने के लिए। लेकिन PCC करते वक्त जब कर्वेचर भी होगा और हमारा स्ट्रेट भी होगा, तो ये लेवलिंग ऑफसेट को बिना भूले काम करना बहुत ज़रूरी है। इसको बराबर उसके हिसाब से ही काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया PCC के लिए, गड्ढा किया हमने, हमने यहाँ पे PCC कर लिया, ये PCC कर लिया, और ये यहाँ से पैनल लगने शुरू हो गए। अब ये इसको भूल जाइए आप, ठीक है। अब जब ये पैनल पहले 1 2 3 4 आपको इमेजिन करिए, ये पहला पैनल, दूसरा पैनल, तीसरा पैनल, चौथा पैनल, पांचवा पैनल, ऐसे पैनल्स लगने वाले हैं। इसमें मान लीजिए यहाँ ग्रू होते हैं, वो मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि ये पैनल्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये स्लोप रहेगा दोनों तरफ से। आप सबसे पहले मैंने जैसे कि बात बताई आपको कि कॉस्ट सेविंग, मान लीजिए ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस 30 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और ये ग्राउंड का लेवल कुछ इस तरह से मैंने आपको दिखाया था, ग्राउंड का लेवल इस तरह से। तो हमारा जो जियोग्रिड, पहला जियोग्रिड आएगा वो यहाँ कहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये जियोग्रिड जाएगा मान लीजिए इतना 10 मीटर तक, यहाँ से 10 मीटर यहाँ एक लगेगा, यहाँ से जो 10 मीटर तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जियोग्रिड जहाँ तक रहता है हमारी जो आरी फील है, जैसे कि आरी फील में सैंड डालते हैं, आरी फील मटेरियल, तो मान लीजिए ये जियोग्रिड से 1 मीटर एक्स्ट्रा और इस साइड से 1 मीटर एक्स्ट्रा हम लोगों को आरी फील डालना है सेफ्टी के लिए। तो हम लोग अगर ये मिट्टी जो हमारी है वो अच्छी, हमने टेस्ट किया, चेक किया इसको, ये मिट्टी हमारी यूजेबल है, तो ये ग्राउंड लेवल है, तो हम जब कटिंग करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, जो नव सीखे इंजीनियर होता है या जानकारी जिसे नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये मिट्टी को काट के ये बॉटम लेवल तक, ये बॉटम जो है PCC का, ये एक्सकेवेशन का बॉटम है PCC का एक्सकेवेशन लेवल, इस लेवल तक पूरा कटिंग कर देते हैं, और फिर पूरा ये मिट्टी जितना भी एरिया है पूरे में मिट्टी भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करना है, आप वो क्वालिटी से टेस्ट करवाने आपको, जहाँ तक आपका जियोग्रिड आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हमारा जियोग्रिड जाता है, ये जियोग्रिड यहाँ तक आया, ये जियोग्रिड यहाँ तक आया, तो हमको जब कटिंग करवानी है तो हम लोग कटिंग कैसे करवाएंगे, ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये नेचुरल ग्राउंड रहेगा नीचे,
ये पूरा इसका चेक कर लेने का एक बार, हमारा इसका सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितना है, मिट्टी कैसा है, ब्लैक कॉटन नहीं है ना, ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेना है। और इसको कटिंग नहीं करना है, तो जितना ये जितना भी लंबा रहेगा, जितना भी उसमें जितना क्यूबिक मीटर आएगा, वो आपने जब फालतू एक्सकेवेशन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें अपनी क्या रहेगी, एक सेविंग रहेगी, एक नुकसान नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। और हमको जब कटिंग करेंगे तो ये मटेरियल भी हमको कम कट करना पड़ेगा, तो हमारा वहाँ भी कटिंग का सारा चीज़ें प्रॉफिट होगी, हमको कम कटिंग करना पड़ेगा, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉटम में जितना जीव ग्रिड लगता है उस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये टॉप व्यू ऐसा देखेंगे आप, ये मान लीजिए हमारा अबूटमेंट है, ये वाल इधर है, ये वाल और ये वाल, ये वाल यहाँ है, ये वाल यहाँ है, लंबाई में बता रहा हूँ मैं आपको, लेंथ में, अक्रॉस लेंथ। तो जो हमारा अबूटमेंट के पास हाइट मान लीजिए हमारी 8 मीटर है वाल की हाइट, और ये पीछे साइड में हमारी 2 मीटर है, और ये 3000 मीटर लंबा है, सॉरी 300 मीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, और ये एंड हाइट है, ये आरी वाल एंड होती है, यहाँ आरी वाल स्टार्ट होती है मान लीजिए अबूटमेंट के पास। तो हमारा ऑब्वियसली जो जियोग्रिड का लंबाई है यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ये धीरे 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 ये जो लंबाई है कम होते रहेगा, मान लीजिए ये इस तरह से काम करेगा, ये जियोग्रिड का लंबाई ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से जियोग्रिड का लंबाई कम होगा। हर 300 मीटर में हर उसका ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें 10-10 मीटर पे, जो 10-10 मीटर का चेंजेज रहेगा इसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, तो आपको जियोग्रिड का लेंथ कम होता हुआ मिलेगा। तो उस हिसाब से जैसे मैंने कटिंग बताया, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको कटिंग करना है, ये जो कटिंग करना है ये कुछ ऐसे इसी स्टेप में आपको ऐसा इस तरह से स्टेप वाइज आपको कटिंग करना है। मान लीजिए ये पोर्शन में जीवगेड का लंबाई इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, ये चेनेज देना है, यहाँ यहाँ जो हर चेनेज पे देखना है कि यहाँ से ये लंबाई कितनी है, तो इतना है, यहाँ से ये लंबाई इतनी है, ये मार्किंग कर लेना है, इसको जोड़ के अपने को एक बनाना है। तो ओनली इतने पोर्शन में हमको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, बाकी जो तो पूरा पोर्शन है इसमें एक्सकेवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन मेडियन में आने वाला है और ये ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड सरफेस है, एकदम बढ़िया सरफेस है। तो हम ये सारा कटिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको किसी भी थियोरेटिकल क्लास में या कहीं भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं सिखाया जाने वाला, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से ही आपको सीखने मिलेगी। तो ये चीज़ें आप कभी मत भूलिएगा, आपको जो मैंने बताया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ तक आपने कर ली, 1 मीटर एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि आरीफिल भी आएगा और ये जीव ग्रिड को हमको खींचना है तो हम उसको खींच पाए, क्योंकि यहाँ वर्टिकल हाइट रहेगी तो वहाँ आदमी जा नहीं पाएगा। और उसके वक्त जब हम लोग ये जीव ग्रिड का लेइंग करते रहेंगे तो इसको ऐसे इस तरह से बेंच करना है, बेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। बोलने से जब हम लोग इसके ऊपर अर्थवर्क करेंगे, फील करते आएंगे, तो ये पूरा बेंचिंग में होना है ताकि इसको ये जो है यहाँ पे कोई वीक पोर्शन, वीक जॉइंट ना बने। तो इसके लिए यहाँ पे जब भी हम लोग ग्रेडर मारेंगे तो इसको मिट्टी को थोड़ा काटना है, स्टेप वाइज करते करते हुए हम लोगों को ये अर्थवर्क करना है। तो ये तो हो गया अर्थवर्क की बात, ये जियो ग्रेड की बात। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ पैनल। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा पहला जो पैनल इरेक्शन है उसको कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक अभी बेटर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को मेरे हिसाब से पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये एक्चुअल में कैसे करना है।
दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि क्या है ना आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको इमिडिएटली नोटिफिकेशन आए और आपके टाइम का वेस्टेज ना हो। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों को पीसीसी जब हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों का अनंतर है तो ना मेरा में अनंतर आता ना है। ये है हमारा प्रोफाइल करेक्टिव पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसे कहते हैं। इसकी हाइट जो है वो 200 mm नॉर्मली होती है, कई कई 150 mm भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसका वेट डिपेंड होता है क्या आपका है, 600 mm से 350 mm तक वैरी होता है, ठीक है दोस्तों। यह हमारा पीसीसी है। पीसीसी जब हम लोग करते हैं, ये पीसीसी जब होने के बाद हम लोगों को एक्चुअल में जो सेंटर है वो सेंटर मार्क नहीं करते इरेक्शन से पहले। मैं आपको इरेक्शन की बात बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग उसका सेंटर अगर मार्क करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सेंटर मार्क कर दिया, ठीक है दोस्तों। सेंटर मार्क करेंगे और जब हम लोग उसके ऊपर इरेक्शन करने जाएंगे तो हम पैनल कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पीसीसी है, देख लीजिए आप, ये हमारा पीसीसी जो कि हमारा टॉप व्यू दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा साइड व्यू है। अब ये इसका जो सेंटर है यहाँ कहीं आएगा इसके दोनों के बीच में, लेकिन अगर हम लोग इसके सेंटर मार्क कर देंगे और इरेक्शन करने लगेंगे तो हम पैनल कहाँ जा रहा है हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली कि जो हमारा पैनल का विड्थ है, मान लीजिए पैनल का विड्थ मान लीजिए हमारा ये कुछ 200 mm का 180 mm का हमारा पैनल है विड्थ, जो 200 mm का 180 mm का जो पैनल है उसका सेंटर से पीछे वाला हिस्सा 90 mm होगा। इसका आधा करेंगे आप, मतलब इसको सेंटर में रखना है हमको, तो यहाँ से ये कितना हो गया 90 mm पैनल का आधा कर लो। और उसको ये जो हमारी सेंटर लाइन जाने वाली, मान लीजिए ये हमारी सेंटर लाइन है, उससे 90 mm पीछे हम एक डार्क लाइन मार्क कर देंगे। ये है दोस्तों, ये हमारी लाइन हमको मार्क करना है, ये इरेक्शन लाइन कहते हैं। हम क्या करेंगे, कलर ले लेंगे सूखा कलर, उसको उसमें जो हमारा नायलॉन की रस्सी होती है उसको पकड़ के उसके ऊपर मार देते हैं, या नीला ब्लू ब्लू कलर का हमारा नील भी लेंगे तो भी मार्किंग हो जाएगा, या तो लाइन दोरी पकड़ के हम लोग चौक से मार्किंग करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन चौक का मार्किंग जो होगा बारिश होगी या धूप पड़ेगी या वो मिट जाएगा पैर चलने से भी, तो चौक ज़्यादातर हम लोग प्रीफरेबली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग उसको मार्कर जैसे रहता है, ये मार्कर है, इस तरह से परमानेंट मार्कर मिलता है, और मार्कर मिलने के बाद हम लोग इसको डैश 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 करके हम लोग इस पर मार्किंग करते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस लाइन करेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा कि पैनल इरेक्शन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा इनर साइड में। हम लोग इसके लिए मार्किंग नहीं करते कि हमारा इस साइड में पैनल लगने के बाद पूरा बैकफिलिंग होने वाला है, पीछे वाली साइड हमारी सेफ रहने वाली, वो दिखते रहने वाली है। तो हम अभी इसके ऊपर इरेक्शन करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पैनल रख दिया इसे,
इस हिसाब से हम लोग पैनल पूरे इरेक्शन करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पैनल जब इरेक्शन पूरे हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मान लीजिए ये B2 का पैनल ऐसे रख दिया, फिर उसके बाद यह हमारा PCC है, ठीक है दोस्तों, और ये B2 का पैनल है, ये B2 का पैनल है, और ये बीच में F4 का पैनल है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये पैनल सारे हम लोग इसके ऊपर लगते रखते जाएंगे। तो इसको कैसे रखते हैं दोस्तों, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक लिफ्टिंग टैकल होता है, ऐसा यहाँ इसके अंदर जाता है, इसको ऐसा ही होता है, और इसमें यहाँ हुक होता है। तो दिखता कैसा है, ये इस तरह से दिखेगा। इस तरह से कुछ रहेगा, यहाँ हमको उठाने के लिए रहेगा हुक, और इसके अंदर पैनल फंसता है। ये पैनल जो रहेगा इसके अंदर पूरा फंसेगा वो, और ये पैनल में जो यहाँ पे जो हुक रहते हैं, यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड डाल देते हैं ताकि उसको उठाने के लिए। इसका एक फ़ोटो में आपको, एक मेरा एक वीडियो है उसके अंदर ये लिफ्टिंग टैकल का मैंने फ़ोटो डाला हुआ है। वैसे एक अरेंजमेंट बनाते हैं पैनल को, यहाँ से ऐसा अंदर जाके ऐसा लंबा उसका एक रहता है, और ये यहाँ से ऐसा ये जो हुक रहते हैं इसके अंदर टाई रॉड डाल के या इसके अंदर डाल के इसको उठाया जाता है। उसी तरह से जो यहाँ पे हुक होते हैं जो B2 में भी, उसको भी वैसे इसी तरह से इरेक्शन करते। तो ये हाइड्रा के साथ इसका इरेक्शन होता है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा या वीडियो दिखा दूंगा आपको, फ़ोटो डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग आते हैं इसके ऊपर। तो ये पहले B2 का पैनल रख दिया, पहले ये पैनल रखा जाएगा, फिर ये रखा जाएगा, उसके बाद दोनों के बीच में ये बड़ा वाला पैनल रखा जाएगा F4 का। और जब ये पैनल रखा जाता है तो ये गिरने का बहुत चांसेस होते हैं, तो हम लोग पीछे पीछे बल्ली से सपोर्ट देते हैं, इसको आगे से भी सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग ऐसा वुडन लॉग लगाते हैं दोनों साइड से, बोलने से एक बाहर साइड से, बोलने से यहाँ पे, और उसमें एक टाई रॉड रहता है ऐसा, और इसको पीछे फिक्स कर देते हैं इस तरह से। जॉइंट के ऊपर वुडन लॉग लगाते हैं, यहाँ दो, यहाँ पे दो रहते हैं, ऐसे दो लगा के इसको यहाँ से उसका कनेक्टिंग रॉड रहता है उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि ये दोनों पैनल से ये जुड़ा हुआ रहे, इस हिसाब से उसको टैकल करते हैं। मैं आपको इसके ऊपर वीडियो भी, मेरे बहुत सारी वीडियो उसके अंदर आप एक क्लियर कट देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा जब मैं साइट पे अवेलेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसको खड़ा करते हैं, और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम लोग इसको बल्ली भी लगाते हैं। तो पूरे इरेक्शन होने के बाद, पूरा जब मान लीजिए 50-100 मीटर का हम इरेक्शन करेंगे, तो फिर उसको हम लोग अलाइनमेंट करना पड़ता है। तो अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, कि मान लीजिए हमको 1 मीटर में 30 mm का स्लोप चाहिए। 1 मीटर में हमारा जो पैनल है, ऐसे जो हमारे जो आरीवाल बनने वाली, 1 मीटर में 5 मीटर है मान लीजिए, 1 मीटर में 30 mm चाहिए, तो हमारा 150 mm जो है मान लीजिए 5 मीटर के बाद वो अच्छी हो जाएगा। वो आपको ड्राइंग से कैसे, ड्राइंग में पता चल जाएगा कि आपके बॉटम से लेकर टॉप में कितना आपको झुकाना है। तो आपको उस हिसाब से निकालना है कि 1 मीटर में 30 mm, तो 5 मीटर में 30 mm करेंगे तो 150 आ जाता है। तो अगर हमको आफ्टर कॉम्पैक्शन हमारा 30 mm है, तो हमको बिफोर कॉम्पैक्शन, बोले से हम इरेक्शन करने के वक्त अगर हमने 30 mm रखा, और जब हम लोग अंदर से मिट्टी भरेंगे तो पीछे चला जाएगा, तो वो वाल कहीं उल्टा निगेटिव स्लोप में चली जाएगी। इसके लिए हमको क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आरीवाल का। यहाँ बहुत सारे इंजीनियर गलती कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको 30 mm का स्लोप है, तो इससे हमको 2 गुना एक्स्ट्रा या तो 1.5 गुना एक्स्ट्रा हमको स्लोप लेके चलना है। मान लीजिए हमको 30 mm में जाना है, तो हम एक तो 50 mm लेंगे या 60 mm लेंगे। अब मैं बताता हूँ कि हर आदमी के हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज होती है। मान लीजिए हर आरीवाल और हर एरिया के मीन्स कैसे उसमें रोलिंग होता है, किस तरह से उसमें कौन सी मिट्टी है,
वहाँ पे वर्कमैनशिप कैसा है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमको एक ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ता है दोस्तों। आरीवाल ये अजम्पशन पे बनती है, जैसे कि हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हमने अभी 800 स्लोप हमने 60 mm रखा है, आफ्टर फिलिंग ये 30 mm हो जाएगा, ऐसा अजम्पशंस पे ही बनती है। आप कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमने ये 60 mm का स्लोप रखा है तो ये 30 mm हो जाएगा या ये 20 mm हो जाएगा, ये नहीं चलती। इसीलिए जो मॉनिटरिंग होती है इंजीनियर की वो बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सपीरियंस के साथ सब चीज़ें पता चल जाएगी कि उसको कितना स्लोप रखना है, क्या करना है, और उसको चेक करते रहना है हर लेयर के बाद। मान लीजिए हमारा ये पैनल 75% हाइट तक भर गया तो उसके बाद उसको चेक करना है स्लोप हमारा कितना स्लोप मिल रहा है। तो अगर हमारा स्लोप ज़्यादा है तो उसको जेसीबी से अंदर बाहर ढकलना है, अगर कम है तो उसको अंदर खींचना है। सारी चीज़ें आपको साइड बाय साइड चेकिंग करना पड़ती है। तो यही इसीलिए मैं बताया कि आप लोगों को ये पैनल सारे इसको झुकाने पड़ेंगे, इसको इस दिशा में मान लीजिए ये ऐसे झुका के रखना पड़ेगा ये पैनल ये पीसीसी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब ये झुका दिए हमने सारे पैनल और उसको सपोर्ट दे दिया, मान लीजिए यहाँ हुक है और इसको सपोर्ट दे दिया यहाँ पे कहीं, ठीक है दोस्तों, और सारे पैनल अलाइनमेंट कर दिए। अब इसको अलाइनमेंट करते वक्त मान लीजिए यहाँ का एक पैनल है, उसके पीछे मान लीजिए एपीडीएम प्यार लगा दिया 20 mm का, मान लीजिए कोई वुडन ब्लॉक पकड़ लिया ऐसे 20 mm का, और एंड में जो पैनल है मान लीजिए 10-10, 20-20 मीटर में पकड़ना है, और यहाँ पीछे एक वुडन ब्लॉक लगा दिया जो इसका साइज़ होगा 20 mm का और इसका साइज़ होगा 20 mm का, दोनों को साइज़ सेम लेना है, और इसके पीछे लाइन दोरी पकड़नी है दोस्तों। और मान लीजिए इसका स्लोप हमको रिक्वायर्ड मान लीजिए 50 चाहिए, तो इसको 50 mm झुका दिया, इसको हमने 50 mm झुका दिया, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने लाइन मार्क की थी पीछे वाली जो हमारा पैनल का लाइन है, इसको मैच कर दिया, दोनों एंड मैच करना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों एंड मैच कर दिए। तो उसके बाद लाइन दोरी इसके पीछे लाइन दोरी लगानी है ऐसी लंबी में, यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको ये पूरी आपको एक लाइन दोरी लगानी पड़ेगी ऐसी एकदम सीधे एकदम दोरी में, और फिर यहाँ पे आपको चेक करना है जी। मान लीजिए 30 mm का लगा है तो 30 mm यहाँ 30 mm यहाँ, ये पैनल का डिस्टेंस, ये पैनल का डिस्टेंस 30 mm, ये पैनल का डिस्टेंस 30 mm, इस तरह से आपको अलाइनमेंट करना है। आप जब इसमें आप मास्टर होते जाएंगे तो आप जब यहाँ पे खड़े रहेंगे और आँख से ही देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलेगी। लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो टीम रहेगा आरीवाल का वो सारी चीज़ें आपको ये करेगा, उसको ये मालूम होना चाहिए, या अगर नहीं मालूम है तो आपको सिखाना है कि उसको ऐसी अलाइनमेंट करना है। तो इसमें स्किल्ड वर्कमैन होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करके दे देंगे, अलाइनमेंट करके देंगे। ये बहुत ही अलाइनमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद इस अलाइनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो कि बहुत लोग इसको मिस करते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये पैनल और ये पैनल में जो गैप आता है, मतलब ड्राइंग के हिसाब से 20 mm का जो गैप देते हैं, वो जो गैप है वो दोनों तरफ इक्वली मेंटेन होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है, कोई इधर 10 देता है, इधर 30 mm गैप करता है, फिर आगे में यहाँ पे मान लीजिए वापस 10 mm कर रहा, आगे 30 mm करेगा, तो इधर जो ऊपर में फ्यूचर में पैनल जो बैठने वाला है यहाँ पे इसके अंदर, अगर ये दोनों तरफ गैप कम हो गया तो ये पैनल पूरा सट के बैठेगा। तो इसमें बाद में जो ऊपर की लेयर के पैनल लगाना है तो उसमें एक तो ज़्यादा गैप हो जाएंगे, इस तरफ ज़्यादा गैप हो जाएंगे जिस तरफ ज़्यादा गैप छोड़ा है, और जिस तरफ बिल्कुल सटा के डाला है आपने तो उसमें पैनल घुसना भी दिक्कत हो जाएगा, तो आपको पैनल चीप करके घुसाना पड़ता है, ये सिचुएशन आती है। उसके बाद ये जो इसके जो प्लम्ब रहेगा 90 डिग्री में, ये जो प्लम्ब इसका जो पैनल को एकदम वर्टिकली प्लेस करना है, उसका जो ये चीज़ें है सारी 90 डिग्री में होनी चाहिए। अगर आपने पैनल तिरछा लगाया तो ये गैप ऊपर कम नीचे ज़्यादा ऊपर कम, ये सारी चीज़ें होगी, और बाद में आरीवाल आपने इतनी गंदी दिखेगी कि उसकी कोई हद नहीं है। तो आपको ये परपेंडिकुलर करना है बराबर 90 डिग्री में, इसका गैप मेंटेन करके चलना है, और जब आप यहाँ दूसरा पैनल इरेक्शन करेंगे तो यहाँ उसका डिस्टेंस चेक करते रहना है। जब यहाँ एक मान लीजिए यहाँ एक अपना पैनल आप लगाएंगे तो जो भी इसका जो डिस्टेंस है, जो दूसरा नेक्स्ट पैनल इसके अंदर डालना है, उसका जो गैप बनने वाला है उसको आपको चेक करते जाना है कि ये भी प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें भूलना नहीं है। सबसे पहले क्या है, सेंटर से अपना उसको जो इरेक्शन लाइन है उसको मार्किंग करना, उसके बाद पैनल इरेक्शन करना,
पैनल इरेक्शन करते वक्त हमको वुडन लॉग लगाना है, अंदर से बल्ली का सपोर्ट देना है। बल्ली का सपोर्ट देने के बाद हमको एक और दो दो पैनल हमको पर प्रॉपर स्लोप में देना है 50 mm, उनको वर्टिकल करना है। पीछे में वुडन लॉग या ईपीडीएम पैड लगाना है, उसमें लाइन दोरी पकड़ के यहाँ से ये चेक करके इसको सारे पैनल को लाइन में लेके आना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसके ऊपर ये जो पैनल है यहाँ पे हम लोग बारी लगा के इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ये अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाता है जो हमको रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम यहाँ पे कंक्रीट करते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अगर कंक्रीट करने पीछे जाने में दिक्कत करता है तो यहाँ हम लोग ड्रॉइंग के हिसाब से यहाँ वुडन लॉग आता है और यहाँ पे ऐसे एक सलिया मारना होता है, बोले से पीसीसी जो है पीसीसी में यहाँ ऐसे सलिया लगे रहेंगे और यहाँ पे हम लोग वुडन लॉग लगे रहेंगे इनके सपोर्ट के लिए, ताकि ये पैनल पीछे ना भागे। या तो हम ग्राउटिंग भी कर सकते कंक्रीट का आफ्टर थोड़ा, जब हम लोग इसको जाली लगाएंगे और इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो जितना उसको जाना है जा लेता है, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली पैक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरीवाल थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती, अगर आप रिजिड कर देंगे तो ये इस दिशा में थोड़ा इस दिशा में मूव करना शुरू कर देता है, तो ये पैनल पूरा सीधा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, मैं सारी चीज़ें वीडियो में आपको बता दूंगा क्या करना है। फिर इधर से भी कोई कोई लोग यहाँ भी ग्राउटिंग कर लेते हैं बॉटम में, अगर बॉटम परफेक्ट हो जाता है यहाँ भी ग्राउटिंग करते थोड़ा टेम्परेरी ग्राउटिंग कर लेते हैं, उसके अंदर मान लीजिए यह थर्माकोल लगाते 20 mm का गैप उसको मूव करने के लिए, और बाकी यहाँ आपको उसको गिरे ना या हवा उसकी अलाइनमेंट ना बिगड़े इसके लिए यहाँ पे कंक्रीट डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती जो जो आपने अपने साइट पे आप धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखेंगे, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि उसको करना क्या है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया, तो आप थोड़ा मैं देखता हूँ कमेंट आपको अगर समझ में आया तो आप यस लिख के भेजिए वहाँ पे ज़रूर कि आपको मैंने यहाँ तक जो बताया है वो सही है, और इसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है या कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे बता सकते हैं। बुधा पारू प्रणय, मनोज, प्रवीण चौहान, फिरोज अंसारी, ये सारी चीज़ें, अभय, थैंक यू अभय, नितेश, उसके बाद फयाज खान, महावीर, नीरज, तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ सबको कि अभी तक जो यहाँ तक सेशन हुआ है, ये सेशन आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है क्या, प्लीज़ हिट कर दीजिए, आप इसको बताइए यस हम लोगों को यहाँ तक समझ में आई है, और इस सेशन को हम या स्टॉप करें या इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ देर के लिए, तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको एक्सटेंड करना है इस सेशन को और कुछ देर के लिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए इमीडिएटली, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ और थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है अभी। फयाज, मैं आपको स्लोप कैलकुलेशन ज़रूर बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर ज़रूर करूंगा, मेरे टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है, मैं पर्टिकुलरली जब ड्राइंग लेके बैठूंगा आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अभी मैं कुछ समझाने लग जाऊंगा तो आप हम लोग पूरे किसी और ही हाईवे पे निकल जाएंगे और फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सारी चीज़ें, तो अभी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ठीक है आप लाइव पर बने रहिए, मैं इसको आगे और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि इरेक्शन कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, तो अभी हमको ग्राउटिंग तक हमारा हो गया कि हमने फर्स्ट लेयर इसकी लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों को और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है वो भी मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपने कंटिन्यूटी रखी इसमें देखने में तो इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें जो बताता हूँ वो आप कहीं मिस ना कर दें और उसमें फिर आपको बाद में चीज़ें समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए आप इसको कंटिन्यूटी हमेशा रखें कि जो भी लेक्चर मिस ना करें,
अगर मिस हो गया है तो उसको ज़रूर देखे पीछे से, मैं जब अपलोड करूँगा तो उसको ज़रूर देखे आप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये पैनल है, ये पैनल हमारा इरेक्शन हो गया, अलाइनमेंट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ग्राउट कर दिया, उसके बाद ये यहाँ पे हुक लगे हुए हैं, इसमें हम लोगों ने जाली ये जीव ग्रिड लगा दी। तो यहाँ हमारा आरी फील रहेगा, आरी फील। ये पहले मिट्टी हम लोग भरेंगे, ठीक है दोस्तों। मिट्टी भरने के बाद यहाँ तक हम कॉम्पैक्ट करेंगे, यहाँ हमारा फिल्टर मीडिया रहेगा। इस पोर्शन में हम फिल्टर मीडिया डालेंगे। नॉर्मली हम ये फिल्टर मीडिया जहाँ हमारा मान लीजिए यहाँ हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर 300 mm पे डालते हैं। ये ग्राउंड लेवल यहाँ है तो ग्राउंड लेवल से 300 बिलो से शुरू करते हैं यहाँ से डालना, यहाँ से ऊपर। और ये जो वीप होल पाइप है हमारा कहीं यहाँ होता है पाइप, ये जो मान लीजिए यहाँ और दूसरा पैनल हम डालेंगे तो यहाँ हमारा इसे पाइप होता है अंदर। इसको ऐसे ऐसे होल होते हैं, हम डाया के यहाँ पाइप रहता है। ये पैनल में हम लोग डिजाइन करते हैं, मान लीजिए यहाँ लगाया तो 40 मीटर के बाद 30 मीटर के बाद जो भी डिजाइन में दिया हुआ है उस लेंथ पे हर पैनल में ऐसे ऐसे होल रहेगा, जो कि हम कास्ट करते वक्त ही हम इसको होल करवा लेते हैं। और उसके अंदर पाइप ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, यहाँ होल रहता है, उसके अंदर पाइप डालते कि ये 300 mm तक डालते मिनिमम, 300 mm। और उसको जियो टेक्सटाइल से ये करते ताकि उसके अंदर से मिट्टी बाहर ना जाए, और इस साइड से भी उसको हम लोग पैक करते हैं, और कभी कभी जियो ग्रिड से भी हम उसको कवर करते हैं ताकि वो पाइप टूटे ना। तो इस तरह से पाइप ये पैनल के अंदर इंसर्ट होता है, ये बताना बहुत ज़रूरी था आपको। तो ये फिल्टर मीडिया जब डालते हैं हम लोग तो यहाँ पे खूब पानी डालना है, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल का जो कंडीशन रहेगा अगर ये लूज रहेगी तो ये पैनल पूरे अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रॉपरली यहाँ कॉम्पैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा 2 टन का रोलर होता है, कि हम लोग जो बड़ा रोलर होता है वो कम से कम 2 मीटर से 2 मीटर दूर तक ही इधर ही रोलर चलाते हैं, बड़ा वाला रोलर, ठीक है। 10 टन का मान लीजिए 10 टन का रोलर, जो बड़ा वाला रोलर इस साइड में ही रोलिंग करते हैं। और आरीवाल के बगल में 2 मीटर तक तो हमको कोई बड़ा वाला रोलर का नहीं लेके जाना है, क्योंकि बड़ा वाला रोलर लेके जाएंगे तो पीछे जाने की संभावना रहती है, या रोलर फंस जाएगा या पलटी मार देगा, बहुत सारे इशू होते हैं। हमारे साइड पर भी ऐसा इशू हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नज़दीक में नहीं लेके जाना है। यहाँ मिनी रोलर से कॉम्पैक्शन करना है या प्लेट कॉम्पैक्टर से कॉम्पैक्शन करना है, या हमको धुरमुस जो कि लकड़ी का बना होता है उसके एंड में कुछ वजन लगा रहता है, कंक्रीट का हो चाहे लोहे का हो, और उसको हम लोग वहाँ से मैन्युअली उसको टैंपिंग करना है, या खूब अगर फिल्टर मीडिया डाला है खूब पानी डालना है इसके अंदर ये एरिया में। सैंडी सॉइल होती है, वैसे भी पानी जितना डालोगे आपको सेटल हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर एरिया में हमको काम होना बहुत ज़रूरी, जो कि हमारे आरीवाल के फ्यूचर के जो उसकी प्रॉपर स्लोप जाना है ऊपर वो प्रॉपरली जाएगा जब आप बराबर करते जाएंगे कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आरीवाल का, ठीक है दोस्तों। तो ये आरीवाल की पहली मान लीजिए 200 mm का जो है ये थिकनेस है, ये भर लिया, फिर ये जियोग्रिड लगाई जो रिक्वायर्ड लेंथ है। अब इसमें क्या होता है, हम लोगों को यहाँ पे जियोग्रिड का यहाँ हुक में फंसाने के बाद, ये हुक के मान लीजिए यहाँ फंसाने के बाद, यहाँ हुक है ना, फंसाने के बाद इसमें और ओवरलैप देना पड़ता है। कहीं कहीं अगर बड़ा जो विड्थ है वो 1250 का अगर जियोग्रिड का विड्थ है तो ओवरलैप मान लीजिए 1 मीटर का होता है, मैंने जहाँ तक देखा है, ये तो ड्राइंग में मेंशन होगा। अगर 300 mm की स्ट्रिप है, ये जो 300 mm की, ये मान लीजिए ये जियोग्रिड है, ये टॉप से देखेंगे तो कुछ आपको 300 mm ऐसी दिखेगी, 300 mm विड्थ की, तो उसमें आपको दुगना करना पड़ता है, बोलने से ओवरलैप पूरा इस हुक से फंसा के पूरा आपको यहाँ तक लेके जाना है, बोले तो दुगना उसकी लेंथ कटिंग करना पड़ती है। मान लीजिए कटिंग लेंथ आपका 6 मीटर दिया है तो एक्चुअल काटते तो उसको 12 मीटर कटिंग करना पड़ता, तभी यहाँ फिक्स होगी हो एज पर डिज़ाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें
बहुत ज़रूरी है। ये 200 ओम का फिल करने के बाद इसको जियो ग्रिड ऐसे हम लोग लेके रखेंगे और फिर इस जियो ग्रिड में हमको उसको फिक्स करना होता है। तो उसको ऊपर की मिट्टी डालने तक, ये मिट्टी ऊपर डालने तक इसको फिक्स रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यू टाइप का हुक बनाते हैं। वो इस तरह से कहीं होता है हुक, इसको मान ली नॉर्मली डिपेंड है 200 एमएम से 150 से 200 एमएम उसका यहाँ से यहाँ तक का उसका लेंथ होगा। और इस तरह से वो मान लीजिए 400 एमएम का एक सलिया काटो आप या 425 का काटो, उसको ऐसा मान लीजिए 50 एमएम में उसको ऊपर ये रहेगा उसका, उसको बेंड करो ऐसे और उसको इसके अंदर फंसा दो, ऊपर से हुक करके मार दो, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग मान लीजिए उसको ऐसे लूज छोड़ेंगे तो वो ग्रेडर मारने के बाद और अंदर चली जाएगी, फिर इसका इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये एकदम इसका टाइट हो जाना जो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर टाइट नहीं रहेगा तो हमारी वाल तो गई समझो आप, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे ये जो जियो ग्रिड है, यहाँ का जियो ग्रिड मान लो, तो यहाँ पे जो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी नहीं होती है या ऐसा ज़्यादा भी होता है, मिट्टी नहीं होती है या लूज़ होता है, तो बाद में क्या होता है फ्यूचर में, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में ये क्या होता है सेटल हो जाता है, या तो फिर यहाँ क्या होता है मिट्टी या बड़ा बोल्डर आ गया वाल इसमें मिट्टी में, इसको दबा देता है। ये दबाने से इधर का जियो ग्रिड के ऊपर मान लीजिए बहुत ओवर बर्डन पड़ा है, तो वो क्या होता है पैनल को अंदर साइड खींचता है, ऐसे अंदर साइड खींचेगा, बोलने से मिसमैच हो जाएगा पूरा वाल, आपकी लाइन बिगड़ जाएगी। तो ये सब इधर में गैप नहीं रहने चाहिए, ये प्रॉपर इस हुक के लेवल में फील हो जाना चाहिए, या 10-20 एम का वेरिएशन। अगर कभी कभी क्या होता है हुक ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो उसको क्या है ना प्रॉपरली हमको सैंड डाल के करना है। अगर गलती से बड़े बड़े बोल्डर आते हैं और ऐसा कहीं हमारा ये कहीं हमारा मान लीजिए ये हुक लगा है और ये कहीं जाली हमारी ऐसी कहीं लटकी हो, तो ये मान लीजिए ये टाइट होकर आपने ठोक दिया जाली, तो ये बाद में क्या होगा, यहाँ मान लीजिए खाली है तो ये जाली के ऊपर लोड पड़ने से जाली का शेप ऐसा हो जाएगा और पैनल को अंदर खींच लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। फिर ये आपने ये पहली वाली जियो ग्रिड लगा दी, उसके बाद यहाँ तक आपने फील कर दिया, कहाँ तक, ये हुक के दूसरे लेयर के जाली तक। उसके बाद आपको नॉर्मली दूसरा पैनल उसके अंदर फंसाना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे पैनल का जो इसके बगल में जो दूसरा पैनल आएगा और इसका जो हुक आएगा, वो दोनों एक लेवल में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके हुक के साथ उसकी भी जाली लगानी है, तो आपको इस वक्त में जहाँ तक आपका ये पैनल यहाँ तक मिट्टी भर गई, तो आपको ये यहाँ इरेक्शन करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया, और फिर आपको यहाँ पे स्लोप चेक करना है पीछे में। ये जो स्लोप आपको चेक करना है यहाँ पे, ये चेक करना है 70% भरने के बाद कि हमको, हमने 50 mm रखा था तो अभी कितना है, तो हो सकता है वो 40 हो सकता है वो 30 हो सकता है वो 35 हो, तो हमको चेक करना है कि हाँ ठीक है हमारा 35 आया है मान लीजिए, हाँ ओके चलो 35 आया है, 40 आया ठीक है ओके चलो, तो हमारा अंदर साइड ही है, तो फिर हमको दूसरा लेयर लगा देना है, फिर पूरी लाइन भी चेक करना है एक साथ। और उसके बाद दूसरा लेयर होने के बाद जब हमारा इसका 100% फिलिंग हो जाएगा, बोले हमारा फिलिंग कहीं यहाँ तक रहेगा, तो हमको फिर दोबारा यहाँ से चेक करना है कि ये कितना गया है। तो इसका हमको अगर 30 रिक्वायर्ड है और 30 आ रहा है लमसम 30 mm 31-32 mm और लाइन हमारी सही है, तो फिर हमको आगे मूव करते रहना है। तो ये फ्रिक्वेंटली जब जब हमारा इसमें फिलिंग होते रहेगा अंदर मिट्टी का, सैंड का, आरी फिल का, तब तक हमको पीछे में जो हमारा उस लेवल पे रिक्वायर्ड है बिफोर कंपैक्शन आफ्टर कंपैक्शन इसको चेक करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बीच बीच में पैनल कहीं बाहर निकलेगी कहीं अंदर जाएगी, तो वो पैनल को उसी वक्त रेक्टिफाई कर लेना है, कोई पैनल अंदर चला गया कोई पैनल बाहर चला गया, उसको उसी वक्त में हमको रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसी वक्त में उसको निकाल देना है, उसको पूरा जियो ग्रिड खोल देना है, उसको वापस सही से लगाना है, पैनल को जो खींचना है मान लीजिए अंदर से है तो खींचना है, बाहर ढकेलना तो बाहर ढकेलना। इसके ऊपर मैंने मेरे एक इसमें वीडियो है, आप वो देखिए कि पैनल की अलाइनमेंट कैसे मेंटेन की जाएगी, साइड पे मैंने एक्सकेवेटर के साथ पूरा वो पैनल को अंदर बाहर दबाते हुए वीडियो बनाई है, वो आपको देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। वो प्रैक्टिकल में वीडियो देखना और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको वहाँ ईजीली समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। कुछ लोगों को मैं मौका ज़रूर दूंगा कि जब भी हमारा काम चले, और अगर आप यहाँ नियर बाय कहीं रहते हैं और आपको अगर प्रैक्टिकल में नॉलेज लेना है, या तो हमारे इस चैनल पे ललित बोल के एक हमारे इंजीनियर है,
वो भी ये आरीवाल का काम कर रहा है, और ढेर सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो आरीवाल का काम करते हैं। और अगर आप नियर बाय में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनके साइट पर ज़रूर विजिट कीजिए, या आपके बगल में कोई आरीवाल का काम चल रहा है तो आप जाइए वहाँ से, मुझे वीडियो कॉल करिए और वहाँ जाके मुझे सवाल पूछिए, वहाँ जाके समझिए उसमें जियो ग्रिड लगता है कहीं स्ट्रिप लगती है, तो वो बहुत बेटर होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत सारे ढेर सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो कि अभी आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं या आपने इसमें है, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है, तो वहाँ भी वो सीख सकते हैं। और अगर आप में से कोई है तो प्लीज़ ग्रुप में वीडियो ज़रूर भेजिए, मुझे भेजिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो मैं देसी इंजीनियरिंग पे उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, आप कहीं वर्किंग है और आपको कुछ बताना है तो प्लीज़ ऑलवेज़ वेलकम, आप अपना एक वीडियो भेजिए, चाहे उसमें वॉइस हो चाहे ना हो, और उसको मैं अपलोड करूँगा ताकि बाकी लोगों को भी ज्ञान मिले, मुझे भी कुछ सीखने मिले। हो सकता है कई कोई चीज़ें कुछ आरीवाल में मान लीजिए अलग तरीके से बनती, जहाँ बेल्ट यूज़ किए जाते हैं, तो हो सकता है मैंने उसमें काम नहीं किया हो, तो उसमें जो बारीकाई है वो मुझे नहीं पता होगी, तो वो चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप तो यहाँ तक आपको ये प्रोसीजर समझ में आई हो। इसके बाद भी बहुत सारी ढेर सारी इसमें मान लीजिए कुछ अलाइनमेंट बिगड़ने की बात क्या करना है, उसके बाद अबूटमेंट के पास मान लीजिए अबूटमेंट बना भी नहीं है और ऊपर में जाके जब अबूटमेंट का जो डर्ट वाल है उसका और आरीवाल के बीच में गैप सिर्फ 20 mm से 50 mm होता है, उस गैप को मेंटेन होना है। अगर हमने गलती से आरीवाल कहीं इधर उधर प्लेस कर दी तो हो सकता है ऊपर जाके दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कहीं जाके हमारा गैप 300-400 mm हो जाएगा, कहीं जाके अंदर चली जाएगी, फिर कहीं बेंड हो जाएगी, कहीं बाहर निकल जाएगी, वो बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम आरीवाल में आती है क्योंकि आरीवाल अजम्पशंस पे बनती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आरीवाल क्यों भागती है, उसका पेट क्यों निकलता है बाहर, अंदर क्यों चली जाती है, बाहर क्यों चली जाती है, कोपिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ कि अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया हो, तो जब भी नेक्स्ट रहेगा, जब भी मैं आप लाइव आने की कोशिश करूँगा, आप सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट रहिए, मैं आपको सारी डिटेल आरीवाल के देने वाला हूँ। तो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देसी इंजीनियरिंग को ऐसे प्यार करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।